Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सबका आज के टॉप 3 डिफेंस न्यूज में। और आज के पहले डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के फाइटर मिराज 2000 के बारे में। तो जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, इंडियन एयरफोर्स मिराज 2000 को अपग्रेड कर रही है। तो वहीं पे इंडियन एयरफोर्स ये प्लान कर रही है कि इस अपग्रेड के साथ साथ वो मिराज 2000 पे मीटियोर मिसाइल का इंटीग्रेशन भी करे। तो इस बारे में मीडिया से बात करते हुए इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिशियल ने बताया है कि हम मिराज पे मीटियोर को इंटीग्रेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और वैसे भी ये मिराज की डील हमने डसॉल्ट एविएशन से साइन की थी, जो अपग्रेड डील थी, और ये एक पुरानी डील हो चुकी है। और मीटियोर अभी हाल ही में डेवलप किया गया है और इसके लिए एक नई डील करनी पड़ेगी। और हम अभी इस डील को इवेल्युएट कर रहे हैं कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है IAF के लिए। और उनका मानना ये है कि अभी इंडियन एयरफोर्स ये देख रही है कि ब्रह्मोस NG, इजरायली मिसाइल डर्बी और मीटियोर के साथ साथ इंडिजिनस अस्त्रा और रशियन R-73 और R-77, इन सभी का कॉम्बिनेशन बना के फाइटर जेट्स पे डिप्लॉय किया जाए, जो कि इंडियन एयरफोर्स को एक एरियल सुपीरियरिटी देगा। और उनका मानना यह है कि मीटियोर की क्लास का मिसाइल अभी हमारे नेबर्स के पास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उनका कहना यह भी है कि चाइना हैविली इन्वेस्ट कर रहा है क्रूज मिसाइल्स में और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स में, जो कि इवेंचुअली पाकिस्तान के पास बाद में पहुंच जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मीटियोर का इंटीग्रेशन Sukhoi-Su-30 MKI पे करने का जो प्लान था IAF का, वो तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है MBDA द्वारा, जब उन्होंने नॉन यूरोपियन रडार पे मीटियोर डिप्लॉय करने से मना कर दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी डिफेंस न्यूज की तरफ। और आज की दूसरी डिफेंस न्यूज तेजस को लेके है। तो जी हाँ दोस्तों, तेजस का जो लूमिंग सिस्टम है उसे एक इलाहाबाद बेस्ड कंपनी, जो कि नैनी एरोस्पेस लिमिटेड के नाम से इलाहाबाद में स्थापित है, उसने मैन्युफैक्चर किया है तेजस SP-16 के फाइटर के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, SP-16 में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी रीजनल कंपनी ने तेजस के लिए लूम सिस्टम डेवलप किया है। आपको बता दूं, ये लूम सिस्टम एक बंच ऑफ वायर्स होते हैं जो कि कॉकपिट से लेके किसी भी फाइटर जेट के डिफरेंट पार्ट्स तक सिग्नल्स पहुंचाते हैं और डेटा पहुंचाते हैं। और इसको पहली बार किसी रीजनल कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, जो कि हेल की 100% सब्सिडियरी है, जिसे NAEL के नाम से भी बताया जा रहा है। और ये कंपनी इससे पहले HAL द्वारा निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर है उसके स्ट्रक्चर बनाया करती थी। और अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि तेजस SP-16, जिसमें वैसे भी प्राइवेट प्लेयर पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, उसके लिए इस कंपनी ने लूम डेवलप किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी डिफेंस न्यूज की तरफ। तो आज की तीसरी डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं, जो कि चाइनीज स्टेट रन मीडिया ग्लोबल टाइम्स की तरफ से आ रही है, जहां पे चाइनीज डिफेंस एक्सपर्ट्स ने अपना व्यू रखा है इंडिया के एंटी सैटेलाइट वेपन के ऊपर। और उनका मानना यह है कि इंडिया की जो एंटी सैटेलाइट वेपन टेक्नोलॉजी है, वो अभी प्राइमरी स्कूल की टेक्नोलॉजी है। और वो अपने नेशनल टेलीविजन पे ये कहते हुए पाए गए कि इंडिया को इस टेक्नोलॉजी को लेके इतना उछलना ही नहीं चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए कि वो चाइना और पाकिस्तान पे अपनी इन टेक्नोलॉजी से नज़रें बनाए रखेंगे या फिर दबाए रखेंगे। और उनके ये एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है स्पेस रिसर्च के मामले में, वो इंडिया से काफ़ी एडवांस है। और इस दरमियान उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उन्होंने ऐसा ही टेस्ट 2007 में भी कंडक्ट कर लिया था, जो कि आज से तकरीबन 10 या 12 साल पहले किया था। तो इंडिया कम से कम एक दशक पीछे है। तो उनका ये कहना था अपने नेशनल टेलीविजन पे। उनको ये बता देना चाहूँगा, हमने ये टेक्नोलॉजी किसी से रेस लगाने के लिए डेवलप नहीं की है, बल्कि अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए डेवलप की है। अब हमारे पास ये क्षमता है, और अभी हम सिर्फ क्षमता इकट्ठा कर रहे हैं, ना कि किसी से रेस लगा रहे हैं। और अभी हम अपने आप को इस काबिल बना रहे हैं कि हर तरह की सिक्योरिटी के लिहाज से इंडिया को सेल्फ रिलायंस बना सकें। और जहां तक बात है रेस लगाने की, तो जब लगानी होगी तब लगा लेंगे, पहले हम अपनी क्षमता मजबूत कर रहे हैं। तो आज के टॉप 3 डिफेंस न्यूज में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।